मकड़ी लगभग हर घर में होती है और इसको हटाने के बाद भी कुछ दिनों के बाद फिर से घर में आ ही जाती है। स्पाइडर के काटने से संक्रमण होने का खतरा होता है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मकड़ी के काटने के घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। हर मकड़ी का काटना खतरनाक नहीं होता, घर में पाई जाने वाली मकड़ी जंगल में पाई जाने वाली मकड़ी की अपेक्षा कम जहरीली होती है। मकड़ी अपने बचाव के कारण ही किसी को करती है, लेकिन स्पाइडर बाइट से भी खतरनाक संक्रमण हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मकड़ी के काटने पर क्या करें, तो इस लेख में हम आपको मकड़ी के काटने के प्राकृतिक उपचार के बारे में बताएंगे। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। स्पाइडर बाइट का घरेलू उपाय है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें आसानी से अपने घर में मिल जाता है, जो एक कई सारे घरेलू उपायों में भी उपयोग किया जाता है। मकड़ी के काटने पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। यह एक क्षारीय पदार्थ है जो त्वचा की खुजली, सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। स्पाइडर बाइट पर बेकिंग सोडा लगाने के लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 3 चम्मच पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इसे मकड़ी के काटने के निशान पर लगाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। मकड़ी के काटने का घरेलू उपाय है हल्दी। हल्दी में कुरकुमिन नाम का यौगिक पाया जाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। हल्दी का इस्तेमाल स्पाइडर बाइट पर किया जा सकता है। यह सूजन कम करने और दर्द से राहत पाने में आपकी मदद कर सकती है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर को लेकर इसमें जैतून का तेल मिलाकर मकड़ी के काटने के निशान पर लगाएं। मकड़ी के काटने का प्राकृतिक उपचार है एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सूजन को ठीक करने में मदद करते हैं। इसलिए जब कभी आपको मकड़ी कट ले तो इसके घरेलू उपचार में ताज़ा एलोवेरा जेल लेकर इसे स्पाइडर बाइट पर लगाएं। पत्ता गोभी है मकड़ी के काटने का घरेलू उपाय। पत्ता गोभी के अंदर काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए मकड़ी के काटने पर संक्रमण का उपचार के लिए पत्ता गोभी लगाना फायदेमंद होता है। जिस जगह आपको मकड़ी काट ले वहां पर गोभी के पत्ते को पीस कर लगाएं। इससे सूजन और दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।